Hello friend, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So I am going to take mathematics class of standard 1. So please open your book. So chapter 2, हम लोग पढ़े थे कुछ पेजेस मैं दिया था होमवर्क जिसको आप लोग को कंप्लीट करना था. आई होप एवरीवन हैज डन द होमवर्क एंड आल्सो शेयर ओवर द व्हाट्सएप. आप लोग सब लोग होमवर्क किए हैं और व्हाट्सएप पर शेयर कर चुके हैं. अगर जो लोग नहीं होमवर्क किए हैं वो भी बिना इस वीडियो को कंप्लीट किए हुए आप लोग होमवर्क पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है. और उसके बाद इसको फिर हम लोग जो इस आज के क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू जाएंगे और कुछ न्यू टॉपिक है जो उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. इससे आपको आगे बनाने में हेल्प मिलेगा. ओके, सो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े थे, 1 to 9. हम लोग यहाँ पर काउंटिंग है हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. तो हम लोग इसमें देखे थे 1 हम लोग वर्ड में कैसे लिखते हैं और नंबर में कैसे लिखते हैं. साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि हम लोग को काउंटिंग करना है, तो हम लोग इसमें काउंटिंग सीखे, ठीक है. आइटम देख के, ऑब्जेक्ट देख के हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट कितने क्वांटिटी में, कितने काउंट है. जैसे यहाँ पर फ्लावर्स है, फुटबॉल है, फिश है, तो हम लोग यहाँ काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स है, कितने नंबर ऑफ फिश है या आइसक्रीम है. तो हम लोग काउंटिंग जाने थे, तो 1 to 9 हम लोग काउंटिंग जान गए. 1 to 9 हम लोग वर्ड में कैसे लिखते हैं, ओ एन ई 1 TWO 2 THRW 3, तो हम लोग ये भी इस चैप्टर में पढ़े, राइट. तो हम लोग आगे चलेंगे. ये सब मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. काउंटिंग यहाँ करना था, आपको नंबर में उसको लिखना था काउंट करके. तो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 3 है. नंबर ऑफ चॉकलेट कितने हैं, 5 है. तो ये सब हम लोग को काउंट करके नंबर में लिखना था, राइट. इसमें भी आपको काउंट करना है जिसमें आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे 4 स्टार 6 कैप्स 3 बॉल्स 5 रैट्स 7 ट्रीज, ये सब दिए हुए हैं. इसमें आपको काउंट करना है और एक उसका ग्रुप बनाना है, राइट. तो ये भी मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूँ. अगर आपको प्रीवियस क्लास का वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लास का कौन सा वीडियो है. अब डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस क्लास का वीडियो देख सकते हैं, ओके. तो ये सारे सब्जेक्ट में हम लोग ये करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्लास का वीडियो लिंक हम लोग शेयर करते हैं जिससे आप लोग प्रीवियस क्लास का वीडियो देख सकते हैं. इसमें हम लोग को मैच करना था, काउंट करके उस नंबर को मैच करना था कि कितने कौन से ऑब्जेक्ट कितने हैं, उसके साथ उस नंबर को मैच करना था. तो ये भी हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. सो टिल 16 वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. हम लोग ये सारे हम लोग पेजेस कर चुके हैं. एक्सरसाइज 2.3 वाज डन. सो इन टुडेस क्लास विल डिस्कस फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.4, ओके. सो एक्सरसाइज 2.4 में क्या करना है, राइट द नंबर इन द बॉक्स. हमें इसमें नंबर लिखना है नंबर बॉक्स में, ओके. सो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हम लोग को यही काउंटिंग, यही नंबर आपको रिमेनिंग बॉक्स में जितने बॉक्स दिए हुए उसमें फिल करना है. जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 हमें लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, ओके. तो इस तरह से हमको 1 1 1 1 1 1 ऐसे हम लोग को पूरे में लिखना है. 2 है तो 2, ये मैं कंप्यूटर से लिख रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉपर नहीं लिख सकते हैं. आप लोग पेंसिल से, पेन से लिखेंगे तो आप लोग प्रॉपर लिख सकते हैं, राइट. सो 2 2 2 2
इस तरह से आप लोग को फिल करना, मगर इसको प्रॉपर आपको अच्छा से लिखना है, समझे? जैसे मैं लिखूंगा तो अगर ऐसे वन, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, वन 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 वन, ओके। सेम वे टू 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 टू, इस तरह से आपको लिखना है सारे। मैं आपको इस तरह से काउंटिंग आपको नंबर के साथ लिखता लिखना है, ओके। ठीक है, तो आप लोग ये होपफुली यू हैव डन, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लोग इजी इसको सारे लोग लिख सकते हैं। हम लोग 1 to 9 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो हम लोग को इससे नंबर में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो हम लोग ये इस तरह से 9 तक हम लोग को लिखना है, ओके। तो 9 में भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे, टिल 9 हम लोग को ये सारे लिखना था, राइट? So I hope everyone has done this. We'll go to the next step, next exercise. Okay. Now we know the 1 to 9 in number. We already know the 1 to 9 in word, right? So word में हम जो सीखे थे उसको इसको हमको यहाँ पर क्या लिख करना है, हमको word में लिखना है, उसका practice करना है। राइट एंड प्रैक्टिस, हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर, हमको वन आता है लिखने, यहाँ पर क्या करेंगे, वन लिखेंगे, ओके। तो पहले हमको यहाँ पर वन लिखना है, ठीक है, उसके बाद नंबर में लिखें, उसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ड में लिखना है, सो वन, राइट? इस तरह से हमें पूरा बॉक्स में इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? तो वन वन इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है, समझे? सो आई होप एवरीवन हैज डन दिस एंड देयर इज नो इशू यू गॉट। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसे बनाने में, राइट? तो ये बहुत सिंपल है, हम लोग नंबर जानते हैं, नंबर 1 to 9 कैसे लिखते हैं। तो 1 2 देन वर्ड में हम लोग को 2, इस तरह से सेम हम लोग को कंप्लीट करना था इसे। सो आई होप एवरीवन हैज डन एंड देयर इज नो इशू, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट? आप लोग इसको प्रॉपर लिखना है, ओके, इस तरह से फिल करना था। तो इसको जब भी लिख रहे हैं तो बोल के लिखना है, 2 TWO 2 3 THREE, तो हम लोग को से एंड राइट करना है, ओके। विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ, यहाँ पर क्या कर रहा है, इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल टू है कि ग्रेटर है या स्मॉलर है। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इक्वल टू का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, 2 मंकीज है, 1 मंकीज एंड 2 मंकीज। तो 2 मंकीज है, राइट, एंड 2 बनानाज है, राइट? 2 मंकीज है एंड 2 बनानाज है, ना? 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2। तो दोनों साइड मेरा क्या है, सेम नंबर है, राइट? 2 मंकीज है और 2 बनानाज है। तो दोनों साइड जब सेम नंबर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, इक्वल टू। सो बोथ साइड आर इक्वल नंबर ऑफ पीपल एंड इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स, देन वी कॉल एज इक्वल टू। ठीक है, अगर दोनों साइड में है सेम नंबर ऑफ पर्सन है या कोई थिंग्स है या एनिमल्स है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इक्वल है, राइट? यहाँ पर 2 मंकीज है एंड यहाँ पर क्या है, 2 बनानाज है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, दोनों इक्वल है। द नंबर ऑफ मंकीज, द नंबर ऑफ मंकीज, कितने नंबर ऑफ मंकीज है, 2। The number of monkeys is equal to the, ये क्या है, equal to the
यहाँ पर क्या हम गौर ज्यादा यूज कर रहे हैं, इक्वल टू, सो नंबर ऑफ मंकीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बनानास, जितने नंबर ऑफ मंकीज हैं उतने ही नंबर ऑफ बनानास है. ओके, सो वी राइट टू इक्वल टू टू. आप लोग यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा. ओके, सो द नंबर ऑफ मंकीज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बनानास. हम लोग हाँ, जितने नंबर ऑफ मंकीज है उतने ही नंबर ऑफ बनानास है. हम लोग इसको वर्ड नंबर में कैसे लिखेंगे, सो वी राइट टू इक्वल टू टू. यहाँ हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं, टू इक्वल टू टू, है ना. यहाँ पर क्या है, टू इक्वल टू टू, दोनों साइड सेम है. कितने नंबर है मंकीज, टू. तो हम लोग जितने नंबर ऑफ मंकीज है उसको एक साइड लिखेंगे पहले. ओके, तो टू यहाँ लिखे, टू नंबर ऑफ मंकीज टू एंड नंबर ऑफ बनाना टू. तो टू एंड टू लिखे और ये दोनों क्या है, इक्वल है. तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा दिए. ओके, तो ये हो गया टू इक्वल टू टू. ठीक है, सिंबल फॉर इज इक्वल टू इज दिस. ये क्या है, आपको सिंबल है इक्वल टू का. आप लोग बुक में देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू, है ना. तो इक्वल टू का सिंबल क्या है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग को दिखेगा. ये इक्वल टू का सिंबल है, राइट. ये इक्वल टू का सिंबल है. तो हम लोग इक्वल टू का सिंबल कैसे है, दो लाइन पैरेलल, दो लाइन है, दो लाइन. एक सामने आपको दो लाइन दिख रहा ना, ऊपर लाइन है एक, उसके नीचे एकदम दोनों एक बराबर है. तो ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल टू. ये साइन को क्या बोलते हैं, इक्वल टू. अगर दोनों साइड कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आइटम अगर इक्वल है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सिंबल लगाते हैं. ऐसे क्या बोलते हैं, इक्वल टू. सो द सिंबल ऑफ इक्वल टू इज, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल टू. सिंबल फॉर इज इक्वल टू इज दिस सिंबल, ये इक्वल टू का सिंबल है. ओके, ठीक है. तो आप लोग ये समझ गए, मैं फिर से बता रहा हूं, टू मंकीज है, टू बनानास है, दोनों साइड दोनों दोनों नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, सेम है, राइट. दो मंकीज है एंड दो बनाना है, टू मंकीज आर इक्वल टू टू बनाना. सो हम लोग इसको नंबर में कैसे लिखेंगे, टू इक्वल टू टू. सो इक्वल टू का सिंबल क्या हो गया, ये इक्वल टू का सिंबल है. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. सो हम लोग एक्सरसाइज 2.6 की तरफ चलेंगे. ओके, लेट्स डिस्कस 2.6. सो दिस वाज आल्सो आई हैव गिवन एज अ होमवर्क, आई होप एवरीवन हैज डन. मैंने कुछ का आंसर देखा है, बहुत लोग का आंसर नहीं भी मिला था मुझे. सो आप लोग होमवर्क जरूर से बनाइए, क्योंकि मैं चेक करता हूँ सारे लोगों का होमवर्क. अगर कोई मिस्टेक रहता है तो मैं बताता भी हूँ, अगर मिस्टेक नहीं है तो ठीक है मैं आगे करता हूँ, ठीक है. मगर जिसका भी मिस्टेक है मैं बताता हूँ. कुछ जो है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाले रहते हैं, इसलिए हम लोग नहीं बताते. जैसे मैथ्स है, हम लोग हमेशा ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं. तो इसको आपको क्रॉस चेक करते जाना है कि आप लोग सही बनाए हैं कि नहीं, राइट. तो एक्सरसाइज 2.6 हम लोग अभी करेंगे. ओके, तो क्या है एक्सरसाइज 2.6 में, वन नंबर में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट. कॉन्ट मतलब हमको काउंटिंग करना है, राइट. गिनना है कि कितने हैं. सो काउंट एंड राइट द नंबर इन बॉक्स. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है, राइट. इधर भी बॉक्स है, आपको दूसरे साइड भी बॉक्स दिख रहा है. यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है आपको, इधर भी एक बॉक्स दिख रहा है. यहाँ एक सर्किल दिख रहा है, यहाँ भी एक सर्कल दिख रहा है. तो आप यहाँ पर हर इमेज के नीचे क्या है, एक बॉक्स दिया है, एक सर्कल है.
राइट, एक सर्कल है, एक बॉक्स है, सो काउंट एंड राइट द नंबर इन बॉक्स, हमको इसको काउंट करना है और जो जितना काउंट करके आएगा उसे इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। हम बॉक्स में लिख दिए, यहाँ पर कितना है 1 2 3, तो 3 यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 प्लस था तो यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट करके लिखना है, सॉरी ये जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें हमें क्या करना है, काउंट करके लिखना है, ओके। एंड टिक करना है सर्कल के अंदर, जो सर्कल है उसके अंदर हमें टिक करना है, कौन से सर्कल में टिक करना है, तो ये दोनों इमेज हमें दिख रहा है, एक साइड कितने काउंट आए 3, दूसरे साइड क्या कितने काउंट आए 5, तो हम लोग को क्या करना है, वेयर द ग्रुप हैज मोर ऑब्जेक्ट, जिस ग्रुप में ज्यादा ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग को टिक करना था। हम लोग ग्रुप जानते हैं, हम लोग ग्रुप बनाए भी थे, 4 स्टार्स था तो वो सब ट्रीज था, तो उसमें हम लोग ग्रुप बनाए थे, तो ये एक ग्रुप है, 3 फिशेस का एक ग्रुप है एंड इधर 5 फिशेस का एक ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है इसमें हम लोग पहले काउंट करके नंबर लिखना है, राइट। हम लोग नंबर लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, इसको टिक करना है, जो जिस ग्रुप में ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, राइट। ओके, एंड इधर काउंट किए 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम क्या लिखे 5, ओके। तो इधर 3 है, इधर 5 है, अब हम लोग को क्या करना है, टिक करना है, टिक किसे करना है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो कौन से ग्रुप में ज्यादा ऑब्जेक्ट है, इधर 3 है, इधर 5 है, सो दिस इज द बिगर वन, राइट। सो ये जो सर्कल है इसमें हमको टिक करना है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे, ओके। सो लाइक दैट यू हैव टू डू फॉर द अदर्स ऑल्सो, हमें फिर नेक्स्ट जो है इसमें कितने जब्स है उसको काउंट करना है, ठीक है। दोनों साइड काउंट करने के बाद फिर चेक करना है किसका ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैं 6 लिखूंगा, ओके। फिर इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ इधर क्या है, कितने हैं, 8 है, ओके। अब जब हम दोनों साइड काउंट कर लिए, इसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है किस साइड ज्यादा है, उस साइड हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में टिक मार्क करेंगे, तो लेफ्ट साइड में कितने हैं, 6 है एंड राइट साइड में 8 है, तो 8 इज द बिगर नंबर देन 6, हम लोग 8 क्या होता है, बाद में आता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 6 7 8, 8 बाद में आता है, तो 8 ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा है उसमें हमें टिक करना है, ओके, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। 2 में क्या है, काउंट करना है एंड राइट द नेम इन द बॉक्स, काउंट करना है एंड राइट द सॉरी नंबर है, काउंट एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स एंड टिक द सर्कल, एंड हमें टिक करना है सर्कल में विच ग्रुप हैज लेस ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग क्या किए थे, काउंट किए थे और बॉक्स में क्या किए थे, उसका हम लोग नंबर लिखे थे, और सर्कल में क्या किए थे, जब दोनों साइड नंबर लिख दिए उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्या किस साइड ज्यादा है, उस साइड हम लोग टिक कर रहे थे। बट इस एक्सरसाइज में हमें काउंट तो करना है, मगर जो साइड जिस ग्रुप में लेस है उस साइड हमें टिक करना है, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, जिस साइड ज्यादा है उसमें टिक कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है कि जिस साइड लेस है, कम है, उस साइड हमें टिक मार करना है। तो पहले हम लोग को काउंट करना है, सो फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, 2, सो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे, ओके। एंड सेकंड ग्रुप में कितना है, 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे, ओके।
अब हम लोग कॉन्ट हो गया, तो हम लोग टू एंड फोर, सो विच वन हैज लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सो टू इज द लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो लेस है उसमें हम लोग को टिक मार्क करना है. ओके ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट चलेंगे. बी में क्या है, कप्स है, तो हम लोग इसे पहले काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6. ओके, देन राइट साइड में हम लोग को कितने ग्रुप में कितने कप्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कप्स है सेकंड ग्रुप में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5. ओके, अब किस साइड हम लोग को चेक करना है कि किस ग्रुप में लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो किस ग्रुप में लेस है, तो इधर 5 है और इधर 6 है, सो 6 बड़ा है राइट, एंड 5 लेस है, तो हम लोग को जो लेस है उसके उसमें टिक मार्क करना है, तो 5 में हम लोग टिक कर देंगे. ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस. अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं, आप लोग बैक करके फिर से प्ले करके देखिए कि क्या हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, अगर आपका आंसर करेक्ट है देन गुड, ग्रेट जॉब, तो सही से बना रहे हैं, सो यू गाइस आर डूइंग गुड. विल डू द नेक्स्ट वन, 3. अब इसमें क्या करना है, हम लोग को काउंट करना है एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्स, हम लोग को बॉक्स में नंबर लिखना है, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही करना है, काउंट करना है एंड नंबर में बॉक्स में नंबर लिखना है. नेक्स्ट क्या है, एंड पुट द करेक्ट साइन, और हम लोग को क्या करना है, अब साइन पुट करना है, कौन सा साइन पुट करना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इन द सर्कल, 1 is done for you, already एक बनाया हुआ है, हम लोग next बनाएंगे. So first में क्या है कि number of rats कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 1 and 2 rats है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, number लिख दिए, फिर इधर right side में count करना, 1 2 3 4, 4 है तो number 4 लिख दिए, अब इस दोनों में से कौन सा greater है उसको check करना है. Okay, so greater कौन सा है, इसमें ग्रेटर कौन सा है, 4, 4 इज ग्रेटर देन 2 राइट, तो यहाँ पर हम लोग को ग्रेटर देन सिंबल लगाना है. ओके, ठीक है, इस तरह से हमने करना है. फिर नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 कैरट्स, तो 5 है तो यहाँ पर 5 नंबर लिखना है. ओके, एंड राइट साइड में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरट्स है, तो हमें इधर कितना, 8 लिखना है. ओके ठीक है, तो एक 5 है वन साइड, अदर साइड इज 8, तो हम लोग को यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है, 8 इज ग्रेटर राइट, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल कैसे लिखेंगे, दिस साइड, जिस साइड ग्रेटर उस साइड का हम लोग माउथ ओपन रहता है ना, जो बड़ा है उस साइड ओपन रहेगा. ठीक है, तो कौन सा साइड बड़ा है, 8 इधर है, 5 इधर है, तो 5 इज लेस है और 8 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके बीच में गैप ज्यादा रहेगा राइट. अगर आपको कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, खाने दिए तो अगर कुछ छोटा सा लड्डू दिए तो आपको माउथ कितना छोटा ओपन करना होता है राइट, या बड़ा दिए तो हम लोग बड़ा ओपन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी नंबर बड़ा है उसके अनुसार से माउथ ओपन करते हैं, तो ये नंबर बड़ा है ठीक है, तो यहाँ पर बिग वन हम लोग जो गैप है वो उस साइड रखेंगे. ओके, सो दिस हम लोग का 8 इज ग्रेटर, तो हम लोग 8 ग्रेटर साइन लगा दिए. अब फिर नेक्स्ट में काउंट करना है हमें लेफ्ट को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेफ्ट है, तो यहाँ इस साइड हम लोग क्या करेंगे,
सेवन ओके. नेक्स्ट राइट साइड में कितने लीव्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी 7 लीव्स है ओके. अभी क्या है, दोनों साइड 7 लीव्स है राइट, इधर भी 7 है इधर भी 7 है. जब दोनों साइड सेम है तो हम लोग पढ़े थे कि बोथ साइड अगर इक्वल नंबर है ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों साइड कितने हैं, इक्वल है. तो जब भी इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वल टू साइन. हम लोग इक्वल टू साइन जानते हैं, देखे हैं तो इक्वल टू साइन कैसे लगाते हैं, तो ये इक्वल टू साइन इस तरह से हम लोग लगा देंगे ओके. ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट ट्रायंगल दिख रहा है राइट. सो एट ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट है ना, एट यहाँ पर नंबर हमको लिखना है, पहले काउंट करना है और उसके बाद नंबर लिखना है. राइट साइड में कितने हैं, 1 2 3, तो इधर हम लोग 3 लिखेंगे ओके. जब नंबर लिख दिए तो हमें क्या करना है, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेस देन. तो नाउ कौन सा ग्रेटर है, 8 इज ग्रेटर राइट एंड 3 इज लेस. तो 8 इज ग्रेटर तो हम लोग क्या करेंगे, 8 की तरफ, सॉरी 8 की तरफ मुंह ओपन कर देंगे, मतलब ग्रेटर देन साइन 8 की तरफ लगा देंगे ओके. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ पर हम लोग लेस देन सिंबल लगा दिए. 5 इज लेस देन 8, तो 5 के साइड हम लोग लेस लगा दिए. 7 एंड 7, तो 7 लीव्स आर इक्वल टू 7 लीव्स ओके. 8, 8 इज ग्रेटर देन 3, तो 8 क्या है, ग्रेटर है 3 से, 3 से बड़ा है 8 ओके. तो आप लोग को सबको समझ में आ गया, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे. सो दिस इज ऑल्सो सेम, हम लोग को यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन सिंबल यूज करना है. हम लोग अभी अभी जाने कि कौन से नंबर लेस है कौन से ग्रेटर है, सेम वे वी हैव टू डू दिस पेज ऑल्सो. लेट्स डिस्कस क्विकली ओके. आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पहले नंबर लिखे, तो यहाँ नंबर ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है, बस मुझे क्या सिंबल लगाना है. तो वे कौन से सिंबल यहाँ पर यूज होगा, ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल और इक्वल टू सिंबल. सो फर्स्ट ऑलरेडी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, 4 इज लेस देन 5, 4 क्या है 5 से छोटा है. 4 इज स्मॉलर देन 5 राइट, 1 2 3 4 5. तो 4 जो स्मॉलर मीन्स जो पहले आता है नंबर में उसे हम लोग स्मॉलर कहते हैं, और जो बाद में आता है उसे हम लोग बिगर नंबर कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलर कौन है, 4 एंड 5 इज द बिगर वन ओके. तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे सिंबल, 4 इज लेस देन 5 राइट, यहाँ पर लेस देन 5. सो विल डू द एक्सरसाइज ओके. सो 4 में ऑलरेडी क्या हुआ है, 4 इज लेस देन 5, विल डू विद 5 एंड 6. सो 5 इज लेस देन 6 राइट, 5 इज लेस देन 6. देन वी हैव 1 एंड 5, सो 1 इज लेस देन 5, 1 छोटा है सो 1 इज लेस देन 5, सो 5 इज बिगर ओके. 2 एंड 9, सो 2 इज लेस देन
9. So 2 is less than 9. Okay. 3 and 8. So 3 is less than 8. Okay. So 3 is less than 8. 6 and 1. So 6 is greater than 1, right? 1 से बड़ा है 6. So यहाँ पर 6 is greater than 1. Okay, 7 and 1. So 7 is greater than 1. So 7 is greater than 1. 9 and 9. So 9 and 9 are equal. तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाएंगे. जब दोनों साइड इक्वल है तो हम लोग को इक्वल टू साइन लगाना है. ओके, 2 एंड 4. सो 2 इज स्मॉलर देन 4. 2 स्मॉल है, 1 2 पहले आ गया, तो 2 इज स्मॉलर. एंड 3 एंड 4. सो 4 इज ग्रेटर. सो हु इज द बिगर? 4. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 इज लेस देन 4. ओके, जे 7 एंड 2. सो 7 इज ग्रेटर देन 2. 9 एंड 5. 9 इज ग्रेटर देन 5. 8 एंड 9. 8 इज लेस देन 9, राइट? यस, 8 इज लेस देन 9. 3 एंड 7. सो 3 इज स्मॉलर देन 7, करेक्ट? One and two. So one is less than two. So one is less than two. 7 and 8. 7 is less than 8. 6 and 9. 6 is less than 9. 4 and 4. Again both are equal. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगा देंगे. थ्री एंड नाइन. सो 3 इज लेस देन 9. 1 second, वन थिंग डन रॉन्ग. ओके, 6 and 9. 6 is less than 9. 4 and 4. So 4 and 4 equal to 4 equal to 4. 3 and 9. 3 is less than 9. 9 and 1. 9 is greater than 1. 9 is greater than 1. 5 and 1. 5 is greater than 1. 5 is bigger number, right? So 5 is greater than 1. Okay? So we have done till 22. So in next class, we'll do the next exercise. Okay? So we'll discuss this now. So what is there? Just before and just after and in between. Just before and just after and in between. Just before means kya hai? Or just after means क्या होता है? एंड इन बिटवीन क्या होता है? सो यहाँ पर आपको नंबर लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 तक नंबर लिखा हुआ है. सो हमने यहाँ पर क्या करना है कि जो कौन सा नंबर, कोई एक नंबर सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पर 4, 5, 6 है. ओके, 4, 5, 6 सेलेक्ट किए. ये 4, 5, 6 जो है, मैं ऐसे यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ.
फोर फाइव सिक्स। सो फोर फाइव सिक्स यहाँ पर जो हम लोग दिख रहा है इसमें क्या है, फोर, फोर इज बिफोर, जस्ट बिफोर मीन जस्ट बिफोर, जो फोर क्या है फाइव से जस्ट पहले है, राइट। फोर क्या है फाइव से जस्ट पहले है, ठीक है। तो फोर क्या हो गया, जस्ट बिफोर फाइव, फोर इज जस्ट बिफोर फाइव, ओके। सिक्स, सिक्स क्या है, जस्ट आफ्टर फाइव। हम लोग को ये बिफोर हो गया, ये पहले है, और आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद। तो फोर क्या हो गया फाइव से पहले है, एंड सिक्स क्या है फाइव के बाद है। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फोर इज बिफोर फाइव एंड सिक्स इज आफ्टर फाइव। सो और कैसे बोलेंगे, फोर इज जस्ट बिफोर फाइव, ठीक है, फोर इज जस्ट बिफोर फाइव एंड सिक्स इज जस्ट आफ्टर फाइव, ओके। तो हम लोग क्या है जस्ट बिफोर कैसे कर सकते हैं कि फोर इज टू द लेफ्ट ऑफ फाइव। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये लिस्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर क्या है फाइव से लेफ्ट साइड है। जो भी नंबर अगर उससे लेफ्ट में है तो वो क्या हो गया, उसका बिफोर हो गया। फाइव क्या है सिक्स से बिफोर है, तो यहाँ पर फोर क्या है फाइव से लेफ्ट में है, फाइव क्या है सिक्स के लेफ्ट में है, है ना। तो पहले फोर आया फिर फाइव आया फिर सिक्स है, तो फोर इज टू द लेफ्ट ऑफ फाइव, फाइव से लेफ्ट में फोर है। और हम लोग क्या बोलेंगे, फोर कम्स जस्ट बिफोर फाइव। तो जब हम बोल रहे हैं लेफ्ट साइड में, मतलब पहले फोर आ गया, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर पहले आ गया, देन फोर के बाद फाइव, फाइव बाद में आता है। तो जब भी हम लोग जस्ट बिफोर कह रहे हैं या लेफ्ट में है, ठीक है, उससे पहले है, तो वो उसे उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, बिफोर द नंबर। तो फोर इज टू द लेफ्ट ऑफ फाइव, फोर क्या है फाइव से पहले है, और हम लोग क्या बोलेंगे, फोर कम्स जस्ट बिफोर फाइव, फोर क्या है जस्ट बिफोर फाइव, मतलब फाइव से पहले आता है, जस्ट बिफोर फाइव, ओके, फाइव से पहले आ रहा है। और क्या है, फोर इज वन लेस देन फाइव, फाइव में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, फोर होगा। फाइव फिंगर निकालिए, उसमें से वन फिंगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितने फिंगर है, फोर फिंगर। तो फोर इज वन लेस देन फाइव, फाइव से एक कम है फोर, है ना। अगर यहाँ पर देखेंगे बॉक्स में क्या है, फोर है, इसमें वन एड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो मतलब ये फोर जो है वन वन नंबर क्या है, कम है उससे। सो फोर इज वन लेस देन फाइव, फाइव से एक कम है फोर, ओके। ये सब हम लोग क्या कह रहे हैं, जस्ट बिफोर, फाइव से जस्ट बिफोर है फोर, ओके। जस्ट आफ्टर, अब आफ्टर क्या है, सिक्स इज टू द राइट ऑफ फाइव, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिक्स इज द राइट ऑफ फाइव, फाइव के राइट साइड में है। सो फोर क्या था, लेफ्ट साइड में है, एंड फाइव क्या है, सॉरी सिक्स क्या है, राइट साइड में है, किसके, फाइव के। हम लोग यहाँ पर किसके कंपेरिजन में सब कुछ कर रहे हैं, फाइव के, ओके। सो दिस इज द मेन नंबर। अभी ये सिक्स क्या है, राइट साइड में है फाइव के, एंड फोर क्या है, लेफ्ट साइड में है फाइव के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिक्स इज टू द राइट ऑफ फाइव, राइट है फाइव के सिक्स, फाइव किधर, यहाँ है, इसका राइट क्या होगा, दिस साइड, राइट। सो ये साइड क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा, एंड दिस साइड इज लेफ्ट, ओके। सो सिक्स इज द राइट ऑफ फाइव, और क्या बोलेंगे, सिक्स कम्स जस्ट आफ्टर फाइव। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सिक्स क्या है, जस्ट आफ्टर फाइव है, फाइव के जस्ट बाद सिक्स आता है, ओके। सिक्स कम्स जस्ट आफ्टर फाइव, फाइव के जस्ट आफ्टर सिक्स आता है, ओके। और क्या बोल सकते हैं, और
सिक्स इज वन मोर देन फाइव, फाइव में अगर वन एड करते हैं तो क्या होता है, सिक्स हो जाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि सिक्स इज वन मोर देन फाइव, सिक्स क्या है, फाइव से एक ज्यादा है। ओके अभी हम लोग देख लिए लेफ्ट साइड राइट साइड या जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। ओके हम लोग देखें ना अभी यहां पर क्या क्या देखें, लेफ्ट जस्ट बिफोर वन लेस देन, राइट जस्ट आफ्टर एंड वन मोर देन, तो वन मोर देन फाइव, सिक्स इज वन मोर देन फाइव, फाइव से एक ज्यादा है। ठीक है सिक्स कम जस्ट आफ्टर फाइव, फाइव के जस्ट बाद सिक्स आता है, सिक्स इज द सिक्स इज टू द राइट ऑफ फाइव, फाइव के राइट साइड में सिक्स आता है। ओके सो इन बिटवीन, इन बिटवीन क्या है, फोर कम्स जस्ट बिफोर फाइव एंड सिक्स कम्स जस्ट आफ्टर फाइव। अब इन बिटवीन क्या हो गया कि फोर फाइव से पहले आता है एंड सिक्स क्या आता है, फाइव के बाद आता है। फोर कम्स जस्ट बिफोर फाइव एंड सिक्स कम जस्ट आफ्टर फाइव, राइट। सो वी राइट फाइव कम्स इन बिटवीन ऑफ फोर एंड सिक्स, सिक्स के बीच में कौन है, फाइव है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो वी राइट फाइव कम्स इन बिटवीन फोर एंड सिक्स, हम लोग फाइव क्या है, फोर एंड सिक्स के बीच में आता है। ओके सो होमवर्क में आपको करना है 2.7 एक्सरसाइज। ओके विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप लोग सारे लोग होमवर्क बनाते रहिए, जो भी दे रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास आ जाए उसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पहले बनाइए, हम लोग जब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। सो यू हैव टू कंप्लीट 23 एंड 24। ठीक है आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, उसके अनुसार से आपको कंप्लीट करना है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। I hope you have enjoyed this class and understood the chapter. अगर आपको कोई भी exercise में problem है, ठीक है तो video को फिर से play कीजिए. Still you have problem, then you can text me over the WhatsApp or you can also call me. आप लोग call भी करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ और दिक्कत है, कुछ समझना है तो मैं अलग से समझाऊंगा आपको. Okay? So if you like the video, understood the chapter, then hit the like button and still you have not subscribed the channel, right? So you have to subscribe the channel also. We will meet in the next class. Till that time, keep washing your hands, stay safe and stay in home. Bye bye.